जिंदा दिलाने लाहौर, जिसे पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर भी कहा जाता है। दरियाए रावी के किनारे आबाद ये शहर सकाफती, तालीमी और तारीखी लिहाज से खास अहमियत का हामिल है। लाहौर का शुमार दुनिया के कदीम और अहम तरीन शहरों में किया जाता है। इस शहर की आबादी तकरीबन 1,45,00,000 है और ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 अब चंद ही दिन की दूरी पर। ये मुल्क की तारीख के 12वें आम इंतखाबात, सियासी जमातें हों या आजाद उम्मीदवार, सब ने आम इंतखाबात में भरपूर शमूलियत के लिए कमर कस ली है। इलेक्शन कैंपेन, रैलियों, जलसों और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला भी जारी है, मगर क्या आवाम है पुर उम्मीद? कौन सुनेगा आवाम की आवाज? कौन करेगा इनके मसाइल को हल? क्या है शहर के मसाइल? आइए जानते हैं शहर के बासियों से। बिजली का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, ये तो आए दिन हमारे साथ दरपेश रहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, मईशत का जवाल, पूरा हाल है मोहल्ले की सड़कों का। इन्होंने सड़कों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जो भी गवर्नमेंट आए वो पाकिस्तान के लिए काम करें। 1770 मरबा किलोमीटर तक फैले डिस्ट्रिक्ट लाहौर, जो अपनी 9 तहसीलों के साथ पंजाब का सबसे बड़ा शहर कहलाता है, जिसमें कुल वोटर्स की तादाद 67,65,090 है। देखना होगा 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में कौन फतह करेगा जिंदा दिलाने लाहौर। फैसला आपका।